हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। एंड जस्ट अभी मैं ब्रश करके आई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक्चुअली। आज लेट से उठी थी क्योंकि रात में कुछ मतलब एडिटिंग वगैरह कर रही थी एंड मैं पैकिंग भी कर रही थी, सो बहुत लेट हो गया था उठने में। अभी सुबह के 10 बज गए हैं एंड लाइक हम लोग मार्केट जाएंगे, मैं और राहुल। घर का कुछ सामान खरीदना है तो मार्केट में जाके मैं क्या सब्जी वगैरह, और बीहू भी आ रहा है हम लोग का फेस्टिवल, तो बीहू के लिए भी सामान वगैरह लेना है। सो वो क्या क्या लेती हूँ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी पहले घर का काम फिनिश कर एंड सुबह सुबह क्या काम होता है आप लोग को पता ही है, घर का कुछ काम, तो वही घर का काम फिनिश करके मैं मार्केट जाऊंगी। तो वहीं पे सामान लेना है, तो वहां से मैं क्या क्या सामान लेती हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। अभी डायरेक्ट मैं मार्केट में आप लोग को मिलूंगी। एक केजी दीब ना, सामने वाला मार्केट से मुझे ज़्यादा सामान नहीं मिला, तो इसीलिए अभी थोड़ा दूर वाली बड़ी वाली मार्केट में जा रहे हैं। वो जो भी सामान लेना है वहीं से लूँगी। अभी राहुल और मैं भी जा रहे हैं। মোৰ ব্লগত হাই কৈ দে। फाइनली हम लोग ने जो भी मार्केट में सामान लेना था हम लोग ने ले लिया, अभी घर जा रहे हैं। संडे था तो ज्यादा भीड़ है आज, नहीं तो इतना भीड़ नहीं रहता है। हाँ, हम लोग का सामान वहाँ पे फ्लावर्स दिखाई दे रहा था, मैंने फ्लावर्स भी ले लिया, घर पे जाके लगा दूंगी उसको। Thank you.
बहुत सारा सामान था तो अभी मुझे हेल्प कर रहे। एंड अभी जस्ट घर पहुंची हूँ मार्केट से, एंड मुझे मार्केट में एक सब्सक्राइबर मिली थी और अचानक से मेरे पास आई, एंड मुझे उसने मतलब वो आंटी ने मुझे पूछा कि आप कुछ यूट्यूब का चैनल चलाते हो क्या, वीडियोस वगैरह। तो मैंने बोला हाँ, द नॉर्थ ईस्ट गर्ल से है, तो वो मेरी वीडियोस देखती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई अचानक से आके आपको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ, तो ऐसे अच्छा लगता है कोई अगर आपको मतलब मुझे अप्रिशिएट करता है, आप लोग भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। एंड आज मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो जो आंटी थी मेरे बहुत सी मतलब ब्लेसिंग्स भी दिया है, एंड बोल रही थी कि अलग अलग कंटेंट बनाओ और भी ग्रो करो चैनल को जितना हो सके, एंड हम लोग है सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ऐसे कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा था, वो भी पब्लिक एरिया पे, तो अच्छा लगा। तो अभी जस्ट फ्रेश मैंने मूला लाया है मार्केट से, ये पिकल्स बनाने के लिए दी के लिए, एंड ये यहाँ पे हम लोग खट्टा वाला इसको रखेंगे चावल के साथ। ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी, इसीलिए इसको अलग कर रहे हैं। इसका पिकल्स बनाएंगे एंड इसका खट्टा बनाएंगे हम लोग। मम्मी इसको काट रहे हैं। सो ये है देसी मिर्ची लाल वाली, बिल्कुल तीखी है, एंड इसका मैं अचार बनाऊंगी। अभी मम्मी यहाँ पे इसको क्लीन कर रही है क्योंकि इसको पानी में भिगोने से वो ख़राब हो जाते, तो इसीलिए ड्राई मतलब बिना पानी दिए कपड़ा से अच्छे से उसको साफ़ कर रही है। तो इसको क्लीन करके हो गया, अभी मैं छत के ऊपर जा रही हूँ उसको सुखाने के लिए। को अभी धूप में रख दूंगी एक दिन के लिए, उसके बाद इसका पिकल्स बनाऊंगी, आप लोग को रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी होता है इसका। यहाँ पे सिर्फ गोबर है, मिट्टी नहीं है, अभी इसको मिट्टी एंड गोबर दोनों मिक्स करके लगाऊंगी मैं। राहुल मुझे हेल्प कर रहा है इसके लिए। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जिन्होंने भी चैनल को द नॉट इज गर्ल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।